आज मैं दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए कराची हलवा बनाने का रेसिपी। एकदम आसान तरीके से दोस्तों हलवाई स्टाइल में हम घर पर बनाएंगे और एकदम इजी है ये बनाना। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों ये एकदम जेली की तरह बन कर के हलवा तैयार होता है। तो ये बनाना बहुत आसान है दोस्तों और बहुत सुपर टेस्टी खाने में भी लगता है। कोई भी मिठाई खाने के मन करे तो इस तरीके से आप बना करके ये मिठाई खा सकते हैं। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा किचन में। तो यहाँ पर देखिए चाशनी सबसे पहले हम बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर सॉस पिन में रखी हूँ और 1.5 कटोरी दोस्तों चीनी डाल देंगे और उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी पानी भी डालेंगे। तो जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा जितना ही हमें पानी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छा से पिघल गया है और यहाँ पर हम चाशनी इनका जैसे एक तार का बनाते हैं, दो तार का बनाते हैं, उस तरीके से हमें नहीं बनाना है। हम आसान तरीके से चीनी पघिल जाएगा और एकदम मतलब एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें साइड में रख देंगे। जब तक चीनी हमारा ठंडा हो रहा है चाशनी, तो यहाँ पर हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं रखी हूँ 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर, जिसे हम अलारोट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैं अलारोट डाली हूँ और 2 कटोरी उठी उसी कटोरी से पानी भी डालूंगी और पानी डाल करके अच्छा से इन्हें हम मिला लेंगे इस तरीके से जो कोई भी लम्स और गुठलियाँ ना रहे। दोस्तों अलारोट जब पानी में जाता है तो नीचे बैठ जाता है, तो अच्छा से इन्हें मिक्स करिएगा। यहाँ पर देखिए अच्छा से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर गैस पर मैं एक कढ़ाई रखी हूँ और कढ़ाई रख करके 2 कटोरी फिर उसी कटोरी से पानी डाल रही हूँ और 2 कटोरी पानी डाल करके जो हम कम अलारोट घोल करके रखे हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कटोरी मैं कढ़ाई में पानी डाली हूँ और 2 कटोरी यहाँ पर अलारोट में डाली हूँ पानी। तो दोस्तों टोटल 4 कटोरी हमारा पानी इसमें लग गया है। तो यहाँ पर 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर के लिए अलारोट के लिए हमारा 4 कटोरी यहाँ पानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पर गैस रखेंगे और इस तरीके से लगातार हम चलाते हुए इन्हें पकाएंगे। हाथ यहाँ पर नहीं रोकना है दोस्तों, जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगा तब ठीक ये होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप चलाना ना तो भूलिएगा, इस तरीके से हमें लगातार चलाना है इन्हें। देखिए यहाँ पर जैसे मैं चला रही हूँ इसी तरीके से चलाना है, नहीं तो ये नीचे जा करके बैठ जाता है और गुठलियाँ पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए और 3 से 4 मिनट में देखिए जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए जेली जैसा बनना स्टार्ट हो गया है। अब इन्हें पकने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए देखते देखते 1 से आधा मिनट में ये इस तरीके से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है ये। तो इस तरीके से आप घर पर कराची हलवा बना करके तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए अच्छा से इन्हें पकाएंगे और यहाँ पर आप गैस कड़ा मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर गैस रखिएगा और लगातार इस तरीके से चलाते हुए इन्हें पकाना है हमें। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उस तरीके से मैं दोस्तों बनाकर बतला रही हूँ आप लोग से। एकदम आसान तरीका है ये। इस तरीके से आप घर पर जब भी मिठाई खाने का मन करे तो आप बना करके तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका पूरा जैसे पक जाता है तो इसका कलर पूरा चेंज हो जाता है, एकदम देखिए जेली के जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब ये ठीक हो गया है अच्छा से, तो यहाँ पर जो हम चाशनी बना कर रखे हैं तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर करके हमें चाशनी डालना है। एक बार में पूरा चाशनी नहीं डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 बार में मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर एक दादा मैं डाल दी हूँ यहाँ पर और इन्हें अच्छा से हम मिक्स कर करके पकाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए अच्छा से मिक्स कर दी हूँ, पक गया है अच्छा से चाशनी जो डाली थी वो। तो फिर से दोबारा हम चाशनी डालेंगे यहाँ पर। दोस्तों एक बार में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार में चाशनी न डालिएगा, तभी अच्छा से हमारा जेली तक के तरह एक कराची हलवा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए दोबारा मैं फिर से चाशनी डाल दी हूँ। अब इन्हें भी हमें लगातार चलाते हुए इस तरीके से हमें पकाना है। दोस्तों इस तरीके से पकाएंगे एकदम जेली के तरह ये हमारा तैयार होगा हलवा। अब यहाँ पर देखिए अच्छा से मिक्स करेंगे इन्हें भी फिर और अच्छा से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए एकदम दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम सुपर टेस्टी हमारा हलवा बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पर जो बचा है चाशनी वो हम 3रा बार डाल रहे हैं और डाल करके यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं हरा कलर डाल रही हूँ। आपके पसंद जो भी कलर डालना चाहते हैं अपने मन पसंद वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हरा कलर डाल करके बना रही हूँ। अब इन्हें डाल करके अच्छा से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ये अच्छा से हमारा हलवा पक जाए।
और बिल्कुल तरह से हम तैयार करना है। अब कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। अब एक बार हम डालेंगे घी। यहाँ पर देखिए अच्छा से मैं मिक्स कर दी हूँ। चाशनी पूरा ख़त्म हो गया है, अच्छा से पक गया है इसी में। और देखिए एकदम रिबिन की तरह गिर रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी। 2 चम्मच हम घी डालेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच डाल करके सबसे पहले मिला देंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आप कम बेसी घी कर सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच मैं घी डाली हूँ खाने वाला चम्मच से, और अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे और मिक्स कर करके 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे इन्हें। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा से गिर रहा है एकदम रिबिन के तरह। तो यहाँ पर अब हम 3 से 4 मिनट हो गए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा काजू डाल रही हूँ, क्योंकि इस हलवा में काजू, और जैसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपने मनपसंद। तो यहाँ पर मैं काजू डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा काजू ही डलाता है। इन्हें अच्छा से मैं चला करके, और यहाँ पर देखिए अच्छा से पक गया है ये जमाने के लिए हलवा। तो यहाँ पर देखिए दिखा रही हूँ एक बार आप लोग से, फिर से एकदम रिबिन की तरह गिर रहा है। तो दोस्तों अब इन्हें हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं हल्का, जब तक हम थाली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी बॉक्स में भी जमा सकते हैं, टिफिन में भी जमा सकते हैं, थाली में भी जमा सकते हैं। जमाने के लिए मैं थाली रखी हूँ, इसी में मैं थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, और इस तरीके से ग्रीस कर देंगे हम, जो अच्छा से हलवा हमारा सेट होगा। यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए आप हलवा मत रखिएगा, चटपटे काम करिएगा, नहीं तो ये क्या होगा हमारे कढ़ाई में ही जम जाएगा ये। तो अच्छा से हम थाली में निकाल लेंगे इन्हें और अच्छा से चारों ओर फैला देंगे बराबर, एक बराबर ये रहे हलवा हमारा। तो इस तरीके से देखिए मैं फैला दी हूँ और बराबर कर दी हूँ। इन्हें हम 1 से 2 घंटा के लिए अच्छा से रख देंगे सेट होने के लिए। दोस्तों इन्हें सेट होने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा तो आप लोग से दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं 1.5 घंटा के लिए रखी थी और अच्छा से ये सेट हो गया है। देखिए हाथ से दिखा रही हूँ, अच्छा से सेट हो गया है ये। तो इसी में हम क्या करेंगे, काट लेंगे इनके पीस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किनारा इनका निकाल देती हूँ चारों साइड से। एक चाकू ले लीजिए और इस तरीके से हम किनारा इनका ही काट देंगे। तो आप जो भी शेप में काटना चाहते हैं दोस्तों, इस तरीके से इन्हें काट लेंगे। जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए चारों ओर से सबसे पहले मैं किनारा ही काट देती हूँ काट करके। दोस्तों ये सबसे आसान रेसिपी है, तो ये रेसिपी एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत सुपर टेस्टी लगता है ये खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से काट रही हूँ चाकू से, इस तरीके से सबसे पहले हम काट लेंगे। आप छोटा बड़ा पीस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इन्हें हमें पकाने के लिए दोस्तों टोटल हमारा 20 मिनट लग गया है, और 20 मिनट में हलवा तैयार हो जाता है। और सेट करने के लिए मैं 1.5 घंटे के लिए रखी थी, तो आप कम भी रख सकते हैं। जैसे मैं ठंडा भी हो गया है रखी थी तो अच्छा से, और सेट भी हो गया है। और यहाँ पर देखिए हाथ में उठा करके दिखा रही हूँ दोस्तों, एकदम जेली के तरह ये हमारा कराची हलवा सबसे आसान तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों बनाइएगा जरूर और खाइएगा। और इस तरीके से जब हम काट के निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी थाली में नहीं लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम प्लेट में भी दूसरा निकाल करके आप लोग से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्लेट में मैं निकाल दी हूँ। अब इनके हम सजाएँगे इन्हें। यहाँ पर सजाने के लिए मैं काजू रख रही हूँ, देखिए इस तरीके से। आप जो भी बादाम पिस्ता रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काजू रख रही हूँ और थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी यहाँ पर रख रही हूँ। तो इसके जगह पर आप बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपके पास हो रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से दिखा रही हूँ, देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से बनकर सुपर टेस्टी हमारा कराची हलवा घर पर तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइए दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को पसंद पड़ी है तो कमेंट कर एक बार जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ढेर सारा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग भी ये हलवा बनाइए और खाइए इस तरीके से।